और वो कौन सी चीज है जो वेले जरा भी नहीं करते? मेहनत। अरे अरे 25, मजा आ गया यार, मजा आ गया, लाइफ सेट हो गई। 25? हाँ, ढाई है ढाई। क्या अनपढ़ बिंदु नहीं देखा? दो और पांच के बीच दिलों का साथ नहीं छोड़ते। अगर ये पैसे लेके भाग गई तो मैं होता तो यही करता। क्या आपको हंसाएगी? क्या है ट्रेलर की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुआल। आज ये देवगन फिल्म्स लेकर आए हैं वेले, जिसमें कि करण देओल बने हैं बड़े वाले वेले और उनके साथ तीन और वेले, मतलब तीन दोस्तों की ये जोड़ी जो कि धमाका मचाने को तैयार है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ट्रेलर कहानी सब कुछ हम बाद में बात करेंगे, पहले करण देओल की बात कर लेते हैं। और लोग भी उन्हें कह रहे हैं कि करण ने अपनी एक्टिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर ली है। पल पल दिल के पास से डेब्यू किया और डेब्यू में हमेशा सबको क्रिटिसाइज ही किया जाता है, फिर चाहे वो टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े एक्टर क्यों ना हो, उनको भी क्रिटिसाइज किया गया और करण देओल को भी क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन साथ में ये कहा गया था कि करण देओल अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आने वाले दिनों में वो भी सुपरस्टार बन सकते हैं अपने पिता की तरह। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, करण देओल की जो एक्टिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अब फिल्म के ट्रेलर की बात कर लेते हैं। फिल्म की कहानी जो है दोस्तों वो थोड़ी सी पुरानी आपको ज़रूर लगने वाली है, लेकिन जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया गया है उसमें मज़ा आने वाला है। फिल्म की कहानी वेलों की है, तीन वेले हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट हैं, मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। आपको पता ही है स्टूडेंट लाइफ में एवरेज स्टूडेंट वेले ही होते हैं, मार्क्स कम लाना, मस्ती करना, टीचर्स को परेशान करना, ये तीनों वेले भी कुछ इसी तरह के काम कर रहे हैं। तीनों वेलों के नाम है राहुल, राजेश्वर और रमेश, नाम भी कुछ ऐसे ही वेलों के। और इनकी गैंग में एक और वेला शामिल हो जाता है, या फिर कहें वेली शामिल हो जाती है, और ये वेली है रिया। अब बन चुकी है ये R4 की गैंग और चारों मिलकर अब वेलापंती कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। लेकिन इनकी लाइफ में भूचाल आना तो बनता है और भूचाल आ भी जाता है। रिया के जो फादर हैं उन्होंने वेलों को थोड़ा सा परेशान किया है और अब करण चाहते हैं, यानी कि राहुल चाहते हैं कि क्यों ना रिया के पापा को सबक सिखाया जाए। और इसमें रिया जो है वो बिल्कुल साथ दे रही है और वो कहती है कि मुझे किडनैप कर लो। अब यहाँ पर आपको एक पुरानी मूवी याद आती होगी अक्षय कुमार की, जब ऐसा ही कुछ देखने को मिला था हीरोइन के पिता को सबक सिखाने के लिए हीरोइन को किडनैप किया था। और सेम यहाँ पर होता है, रिया को वो किडनैप करने वाले होते हैं, इससे पहले बड़े वाले असली वाले गुंडे आ जाते हैं, वो रिया को किडनैप कर देते हैं और बाकी तीनों वेले जो हैं वो फंस जाते हैं। अब बेचारे करें तो करें क्या, किडनैपर फ़ोन करके इनको धमकी दे रहा है और वेलों की बहुत बुरी हालत है और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। और उनको लगने लगा है कि उनकी वजह से बेचारी रिया फंस चुकी है। अब शुरू होता है असली घमासान, वेले लगे हैं, वो सोच रहे हैं कि ATM से पैसा चुरा ले या किसी बैंक में लूट मचा ले। तो इस सब के बीच वो बहुत सारे कांड कर देते हैं और R3 गैंग जो है वो बुरी तरह से फंस जाती है। अब इस कहानी का जो नरेशन कर रहे हैं वो है वन एंड ओनली अभय देओल, जो कि चेरी ऑन द केक है। इतना ज़्यादा उन्होंने इसमें बस पैदा कर दिया है, मौनी रॉय को इनकी कहानियाँ सुना रहे हैं और भतीजा और चाचा की जो इस बार वाकई स्क्रीन पर तहलका मचाने को तैयार है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये वेले वाकई लोगों को हंसाने पर मजबूर करेगी, इसकी कहानी कितने लोगों तक छूती है। फिलहाल आपने ट्रेलर देखा या नहीं बताइए, कैसा लगा ट्रेलर ये भी बताइएगा, देख लिया है। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।